इस बेंताल में ये जो बुग्याल है हमारा, ये जो कि पौराणिक ऐतिहासिक बुग्याल है, ये वो है जहां पे 12 ग्राम सभाओं का गौचर पनघट का क्षेत्र है। खुद मेरे परदादा ने यहाँ पे, मेरे दादा ने यहाँ पे अपनी गाय भैंसे चराई है। ये हमारा अपना गाय भैंसों को चराने की चरागाह है, जिसको बुग्याल और जिसको गौचर कहते हैं। यहाँ पे गौचर पनघट, और सोचिए कि इस जगह पर बाहरी लोग ये, यानी कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन उनकी है। ये 1400 हेक्टेयर के वो भूपति बन चुके हैं। मैं नहीं जानता ये ऐसे कैसे हुआ, लेकिन आपको मैं आज ये बताना चाहता हूं कि मैं मान सकता हूं कि बाहरी आदमी कभी किसी जमाने में आया तो एक मकान बना दे, लेकिन आपको ये जानना होगा कि हमारे बाबा मोहन उत्तराखंडी जी की ये पावन पुण्य स्थली है, जहां पे उन्होंने मैं आपको बता देता हूं, ये उनका स्मारक है जहां बैठकर उन्होंने अनशन किया था भूख हड़ताल और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये यहीं पे वो स्थली है जहां से उस पावन आत्मा ने इस उत्तराखंड को बनाने की जो मुहिम थी उसको तेजी दी। और उस स्थली पे बाहर का एक आदमी कहता है कि ये उसकी जमीन है और वो उसको कब्जा करता है। ये हो ही नहीं सकता, ये हमारी जमीन है, मूल पहाड़ियों की जमीन है, ये हम सबका गौजर पनघट का क्षेत्र है और ये किसी एक का नहीं हो सकता, ये हम सबका है। उसने इस रोड में ये देखिए, उसने यहाँ पे आने जाने के लिए यहाँ पे एक गड्ढा तक खोद दिया है कि यहाँ पे कोई ना आ पाए। और मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूं और यकीन मानिए, ये इन लोगों ने कुछ नए नए बोर्ड लगा दिए हैं ये कह के कि ये इनकी निजी संपत्ति है। बेरेताल एस्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति राजीव सरीन। ये राजीव सरीन, मैं नहीं जानता ये दिल्ली का या कहां के रहने वाला है, हो सकता है ये कोई कागज लेके आ जाए, लेकिन एक पहाड़ कैसे किसी एक आदमी का हो सकता है, एक बुग्याल कैसे किसी एक आदमी की हो सकती है। मैं ये मान सकता हूं कि यहां के लोगों ने, हो सकता है उसे एक मकान बनाने की जगह दे दी हो, वो हम पहाड़ियों की, या जो क्लेम करता है कि किसी से अंग्रेज ने दे दी, लेकिन ये पूरी एस्टेट कैसे उसकी हो सकती है। ये बुग्याल है हमारी, हम लोगों की। तो मैं आज आप सबसे ये कह रहा हूं कि अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आवाज बुलंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज यदि हम नहीं रुके, यकीन मानिए आज नहीं रुके, तो ऐसे करके एक एक करके ये सारी जमीनें ये बाहरी लोगों के हाथों में जाएगी, और यदि ये हाथों में चली गई तो हमारा एक समृद्ध प्रगतिशील पहाड़ का, उत्तराखंड का सपना बिल्कुल धूमिल हो जाएगा। मैं आप सबसे यह आह्वान करता हूं कि सशक्त नए भू कानून को भी लेके आइए, हमें ये लाना होगा। उत्तराखंड क्रांति दल बरसों से इसमें संकल्पबद्ध है। हमारे साथ केएल शाह जी भी हैं जो कि वरिष्ठ नेता है क्रांति दल के, इन्होंने भी अपना पूरा समय, ये खुद एक रेंजर भी हैं, रिटायर्ड रेंजर, इन्होंने अपना पूरा समय यहाँ की इस जमीनों को, जल जंगल जमीन को बचाने में लगा दिया है। हम कैसे मान लें किसी एक की प्रॉपर्टी है ये, हम इसको कतई नहीं मानेंगे। और यदि ये ऐसा हुआ, यदि इस जमीन पे वाकई अतिक्रमण हुआ, तो हम सब अपना जी जान लगा देंगे। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने एक बार अपने राज्य के लिए यहाँ पे आंदोलन किया था, अपनी जान गंवाई थी। मेरा पूरा क्षेत्र अपनी जान तक गंवा देगा, लेकिन ये जो जमीन है किसी और के हाथों नहीं रहने देगा। यदि वो यहां रहना चाहता है तो हम उसके लिए दिल में जगह देंगे, वो रह सकता है, लेकिन वो इस पे कब्जा नहीं कर सकता, वो ऐसे रोड नहीं खोद सकता। ये जो बोर्ड है ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये हम सब की है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये एक की नहीं हो सकती। और मैं आपके सामने ये कहता हूं, ये किसी की निजी संपत्ति हो ही नहीं सकती, ये हमारी प्रॉपर्टी है, पूरे क्षेत्र की प्रॉपर्टी है, हमारे पहाड़ों की है, मूल पहाड़ियों की है। मैं आज आप सबको कहता हूं, इस तरीके से कोई हमारी जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता। और मुझे कोई डर नहीं, यदि सरकार मुझ पे कोई भी महाभियोग, कोई भी कानून, किसी भी तरीके के अतिक्रमण की बात करती है, तो मैं आज सबसे कहता हूं कि यदि एक मूल पहाड़ी पे अतिक्रमण की यदि एक कानून लगाते हैं, तो सोचो हमारे पहाड़ों में कितनी दुर्गति है। बाहर वाले यहां पे अतिक्रमण करके कब्जा कर सकते हैं, अपने नाम जमीनें कर सकते हैं, लेकिन मैं अब सिर्फ इस अतिक्रमण का विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कई फोन आए और मुझे यह कहा गया कि आप शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, मैं शांति व्यवस्था भंग नहीं, शांति व्यवस्था भंग होने से पहले आज उस जड़ को काटना चाहता हूं जो कि आगे बढ़कर इस पूरे प्रदेश में अतिक्रमण की बाढ़ ले आएगी। मेरे भाइयों, मैं आज आप सबसे कहता हूं, इस सशक्त नए भू कानून का साथ देना है आपको अपने लोगों का साथ देना है।